आप सभी को नमस्कार। ये वीडियो दिल्ली पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बनाई गई है, जो टेस्ट वन या टेस्ट फाइव दे रहे हैं। उनके बायो के 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो एक वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ सेल के ऊपर। ये चैप्टर टू के बारे में आज बात करेंगे। ऊतक मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। टिश्यू आप जिस भी मीडियम में हो आप दोनों मीडियम में समझ लीजिए, क्योंकि पेपर बायलिंगुअल आता है तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखिए आपका ऊतक। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। देखिए चैप्टर को जितना आप शॉर्ट समझोगे ना, आपके मार्क्स उतने बढ़िया आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू है आपको ही पता है, तो ज्यादा डिटेल में आप किसी को याद नहीं करना। हर चीज का क्या बेसिक कीवर्ड्स होते हैं, आपको कीवर्ड समझना है। हर टॉपिक आप कीवर्ड समझते जाइए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ऊतक के प्रकार, ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पादप ऊतक, एक होता है जंतु ऊतक। पादप ऊतक पौधों में पाए जाते हैं, जंतु ऊतक जानवरों में पाए जाते हैं। पादप ऊतक की बात करें तो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभोज्य ऊतक, एक होता है स्थायी ऊतक। इंग्लिश में देखिए टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू दो टाइप्स की होती है, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होती है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू दो टाइप की होती है, नीचे दिया है। प्लांट टिश्यू दो टाइप की है, एक है मेसमेटिक टिश्यू, एक होती है परमानेंट टिश्यू। विभोज्य ऊतक, अब समझते हैं विभोज्य ऊतक क्या है। मेसमेटिक टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, वह ऊतक लगातार विभाजित होती है, कंटिन्यूसली डिवाइड होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, ये लंबाई को भी बढ़ाता है। इंग्लिश में बात करते हैं मेसमेटिक टिश्यू के बारे में, तो देखिए मेसमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है, ये न्यू सेल की फॉर्मेशन करता है और प्लांट्स की लेंथ और गिर्थ को भी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है उसे। उसके बाद विभोज्य ऊतक देखिए तीन प्रकार की होती है। विभोज्य ऊतक एक प्रकार की बात करें तो विभोज्य ऊतक तीन प्रकार की होती है। पहला आपका शीर्षस्थ, दूसरा आपका पार्श्वीय और तीसरा आपका अंतर्वृष्ठ। शीर्षस्थ होता है जड़ और प्रोह में पाया जाता है, पार्श्व होता है पौधों के व्यास को बढ़ाता है, और अंतर्वीज होता है वो पौधों के अंगों की लंबाई को बढ़ाता है। इंग्लिश में समझते हैं इसी चीज को। मैसमेटिक टिश्यू तीन टाइप की होती है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल जो होता है वो रूट्स एंड शूट्स में पाए जाते हैं, लेटरल जो होता है वो डायमीटर को इंक्रीज करता है प्लांट्स के, और इंटरकैलरी जो होता है वो लेंथ को इंक्रीज करता है, जो प्लांट्स की लेंथ है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, स्थायी ऊतक। जब विभोज्य ऊतक जो आपने ऊपर पढ़ा था अपने विभाजित होने की क्षमता खो देता है, विभोज्य ऊतक विभाजित होने की क्षमता खो देता है तो वो स्थायी ऊतक बन जाता है परमानेंट टिश्यू। व्हेन मेरिस्मेटिक टिश्यू लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो आपने ऊपर पढ़ा था, जब ये अपनी कैपेसिटी डिवाइड होने की खो देता है तो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। स्थायी ऊतक बेसिकली स्थायी ऊतक के प्रकार की बात करें, स्थायी ऊतक दो प्रकार की होती है, एक होती है साधारण और एक होती है जटिल। साधारण ऊतक तीन प्रकार की होती है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। जटिल ऊतक दो प्रकार की होती है, जाइलम और फ्लोएम। मैं इंग्लिश में अगर आप बात करूं तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स की है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल तीन टाइप की है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स दो टाइप की होती है, जाइलम और फ्लोएम। ये थे परमानेंट टिश्यू के टाइप्स, स्थायी ऊतक के प्रकार। आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं सारी चीजें। आप नोट डाउन कर लोगे तो इससे क्या होगा, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सरल स्थायी ऊतक। इंग्लिश में अगर बोलूं मैं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू इंग्लिश में। देखिए सरल स्थायी ऊतक होता कौन है? एक ही प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह हो उसे बोलते हैं सरल स्थायी ऊतक। इंग्लिश में अगर बात करूं तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो वो होती है जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बनता है। नेक्स्ट आपका है पैरेन्काइमा, जो इसका पहला टाइप है। पैरेन्काइमा इसका बेसिक फंक्शन आप याद करिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन फंक्शन ही आता है। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन जो है वो है भोजन संग्रहित करना। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन है फूड को स्टोर करना। ये अवशिष्टों को भी स्टोर करती है, जैसे रेंजिन, गोंद, क्रिसलस,
इन सबको इकट्ठा करती है, ये वेस्ट को भी जैसे टैनिन, गम, क्रिस्टल इन सबको भी कलेक्ट करती है, पैनकाइमा। अगला आपका क्लोरेनकाइमा, ये पैरेनकाइमा का ही एक पार्ट है। क्लोरेनकाइमा ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो वो क्लोरेनकाइमा बन जाता है। क्लोरेनकाइमा स्टार्च का निर्माण करता है। इंग्लिश में देखिए क्लोरेनकाइमा के बारे में, क्लोरेनकाइमा ये पैनकाइमा का ही पार्ट है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये स्टार्च को मैन्युफैक्चर करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कौन? क्लोरेनकाइमा। अगला आपका एरेनकाइमा, एरेनकाइमा भी पैरेनकाइमा का ही भाग है, ये केवल जलीय पौधों में पाया जाता है एरेनकाइमा, और ये जलीय पौधों को उत्प्लावन बल देता है तैरने के लिए। इसमें एयर भरे होते हैं, जो एयर वैक्यूल्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, एयर वैक्यूल्स, ताकि वो तैर सके। इंग्लिश में देखिए एरेनकाइमा ये एक्वेटिक प्लांट्स में ही पाए जाते हैं ओनली, और ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको बायंसी देते हैं ताकि वो तैर सके। नेक्स्ट आपका कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा जो होती है वो जीवित ऊतक कहलाता है, ये लाइफ टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, ये फैलाने की शक्ति देता है, जो प्लांट्स होते हैं उनको फैलने की शक्ति देता है, उनको लचीलापन देता है, ये इसका मेन फंक्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कॉलेनकाइमा लिविंग टिश्यू से बना है और ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट्स को। इसके अलावा ये शक्करा और स्टार्च को बनाता है, निर्माण करता है, ये स्टार्च एंड शुगर को मैन्युफैक्चर करता है कॉलेनकाइमा। उसके बाद ये तने और पत्तियों की बाहरी क्षेत्र में पाया जाता है, ये लीव्स एंड स्टेम के आउटर रीजन में पाया जाता है कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट आपका स्केलेनकाइमा, जो स्केलेनकाइमा है वो मृत कोशिका होती है। स्केलेनकाइमा डेड सेल से बना होता है, इसमें जीव द्रव नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ये मजबूती देता है प्लांट को, प्लांट को मजबूत यही बनाता है, कठोरता भी यही बनाता है, तो ये प्लांट को स्ट्रेंथ और रिगिडिटी प्रोवाइड करता है। नारियल के आपने हस्क देखे होंगे, ऊपरी भाग जो होता है वो स्केलेनकाइमा से, ये पेपर में आ चुका है, नारियल के हस्क जो होते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट जो होते हैं वो स्केलेनकाइमा का पार्ट होता है। ये सीड्स एंड नट्स में भी पाए जाते हैं, बीज वगैरह में स्केलेनकाइमा पाई जाती है। अगला टॉपिक आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे बाहरी भित्ति होती है पादप कोशिका की, ये रक्षा करती है उसकी, और ये नए जड़ और पत्तियों में पाई जाती है। एपिडर्मिस नए जड़ और पत्तियों में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस ये आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल का आउटर लेयर होता है ये प्लांट्स को जो इनर सेल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, और ये जो यंग शूट्स एंड लीव्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद करते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा होते हैं पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, सरफेस ऑफ द लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं ना, स्टोमेटा कहते हैं। देखिए स्टोमेटा के दो कार्य होते हैं, सिर्फ दो ही कार्य आपको समझना, स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला है वाष्पोत्सर्जन, और एक्सेस वाटर जो होगा उसको इवेपोरेट करने में हेल्प करता है, इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है गैसों का आदान प्रदान, ये स्टोमेटा के दो फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दो फंक्शन है स्टोमेटा के। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है जटिल स्थायी ऊतक। ये था सरल स्थायी ऊतक के बाद, अब मैं आपको बताऊंगा जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। देखिए टॉपिकों को शॉर्ट में याद कीजिए, इससे आपको याद भी जल्दी होगा, और एग्जाम जो होता है वो टू द पॉइंट्स पूछते हैं, कोई ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं आती, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट अगर नोट डाउन कर सको तो बहुत अच्छा, आप अपनी फेयर कॉपी में या कहीं भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सारे टॉपिक, इससे आपको याद जल्दी होगा। नेक्स्ट है आपका जटिल स्थायी ऊतक, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होती है जो एक से अधिक सेल से बनता है। जटिल स्थायी ऊतक के दो टाइप होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, पहले भी आपको बताया था इसके दो पार्ट्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा जाइलम और फ्लोएम को वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, जाइलम फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आप, जाइलम फ्लोएम को संवहन ऊतक वस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। जाइलम का मेन काम जो है, मेन फंक्शन जो होता है वो जल का परिवहन करना होता है। जाइलम का मेन फंक्शन है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम के चार पार्ट होते हैं, तो चारों पार्ट के फंक्शन याद नहीं करने, मेन जो फंक्शन है वो बता दो पेपर में क्या आता है। जाइलम ऊतक में एक ही ऐसा है, जाइलम पैरेनकाइमा,
जो जीवित कोशिकाओं से बना है, बाकी सब मृत कोशिकाओं से बना है। वाहिनिकाएं मृत कोशिका, वाहिकाएं मृत कोशिका, जाइलम फाइबर मृत कोशिका, केवल जाइलम पेरेन्काइमा जीवित कोशिका से बना है। तो बस आप ये समझ के जाना, इंग्लिश में टैकेट्स वेसल्स जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम फाइबर। इसमें जाइलम पेरेन्काइमा जो है वही केवल लिविंग सेल से बना है, बाकी टैकेट्स वेसल और जाइलम फाइबर जो होते हैं वो डेड सेल से बना है। तो पेपर में यह आया था कि जाइलम टिश्यू का कौन सा भाग है जो लिविंग सेल से बना है, तो जाइलम पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है पत्तियों से लेकर अन्य भागों में, भोजन का परिवहन ये करता है, और जाइलम जल का परिवहन करता है जो आपने ऊपर पढ़ा था। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए फ्लोएम के भी चार भाग होते हैं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम रेसे, फ्लोएम पेरेन्काइमा, इसके चार भाग होते हैं। अब देखिए इनमें से एक ही जो है वो मृत से बना होता है, वो है फ्लोएम रेसे। फ्लोएम रेसे मृत कोशिकाओं से बना होता है, बाकी सभी जीवित होते हैं। इंग्लिश में बात करूं तो फ्लोएम टिश्यू के चार पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। इन चारों में केवल फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड सेल से बना होता है, बाकी सभी लिविंग सेल से बने होते हैं। ये था जाइलम फ्लोएम के बारे में, यह प्लांट टिश्यू आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक की। तो जंतु ऊतक चार प्रकार की होती है, एपिथीलियम, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका, चार प्रकार के होते हैं, एपिथीलियम, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। इंग्लिश में बात करें तो एनिमल टिश्यू फोर टाइप्स की होती है, एपिथीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये चार टाइप के जो टिश्यू है वो एनिमल में पाए जाते हैं, तो हम एक करके इनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका एपिथीलियल टिश्यू। एपिथीलियल टिश्यू है सबसे पहले आपका, इंग्लिश में ही बात कर लेते हैं, तो दोनों मीडियम में समझाने का मकसद ये है कि कई बार ऐसा वर्ड आ जाते हैं जो हम नहीं समझ पाते हिंदी में, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, या इंग्लिश में समझ नहीं आता तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। दोनों मीडियम की तैयारी करके जाइए, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए दोनों मीडियम के बारे में, क्योंकि बायलिंगुअल पेपर आएगा। एपिथीलियल टिश्यू की बात करें तो ये रक्षक ऊतक कहते हैं इसको, ये शरीर के बाह्य परत में पाया जाता है, ये जो आंतरिक कोशिका होता है ना, कोशिका के आंतरिक पार्ट, उनकी रक्षा करता है। ये हमारी बॉडी को संक्रमण से, चोट से, रासायनिक प्रभाव से, इन सबसे बचा जाता है। जिस प्रकार स्किन होती है, स्किन पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसकी प्रकार एपिथीलियम टिश्यू जो होती है वो अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। एपिथीलियम टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, ये बॉडी को आउटर कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर सेल को, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, इंजरी, केमिकल इफेक्ट, इन सबसे एपिथीलियल टिश्यू हमें बचाता है। एपिथीलियल टिश्यू पांच टाइप की होती है। अब देखिए टाइप पे ध्यान मत दीजिए, टाइप नहीं आता, बेसिकली क्वेश्चन इस प्रकार आता है, जैसे आप क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी में कौन सा ऊतक है, ब्रक में कौन सा टिश्यू है, ठीक है, तो कोई भी आपको एग्जांपल दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा ऊतक है, तो ऊतक पे ध्यान दीजिए कि हमारे कौन से ऑर्गन में ये पाया जाता है। जैसे कूपिका और फुफ्फुस, इसमें पाया जाता है शल्की ऊतक, ब्रक और लार ग्रंथि, इसमें पाया जाता है घनाकार ऊतक, अमाशय और आंत्र, इसमें पाया जाता है स्तंभकार ऊतक, ट्रेकिया और ओविडक, इनमें पाया जाता है पक्षमाभि स्तंभकार ऊतक, त्वचा, जीव और आहार नाल, इसमें पाया जाता है अस्थिशल्की ऊतक। इंग्लिश में बात करूं इन्हीं के बारे में, हमारे एल्बोरी और लंग्स में पाया जाता है स्क्वैमस, किडनी में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, क्यूबॉइडल, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, कोलोमर, किडनी ट्यूबलस में, ट्रेकियास, ओविडक में, सिलेक्टेड कोलोमर, और स्किन और ईसोफेगस में, ग्रसिका, ईसोफेगस फूड पाइप भी बोलते हैं इसको, इसमें पाया जाता है स्ट्रेटस स्क्वेमस। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, आपको कोई पार्ट दे देगा ऑर्गन का, और अधिकतर इन्हीं में जाता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो कोई एक ऑर्गन दे देगा और पूछेगा कौन सा टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संयोजी ऊतक की। हम इसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, तो संयोजी नाम से ही जाहिर होता है, ये ऊतक और अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये सारे एग्जांपल संयोजी ऊतक हैं। तो पेपर एक बार ऐसे भी आ चुका था कि निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक है, या कई बार ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक के जितने भी टाइप्स हो सकते हैं वो सब आपके सामने, रुधिर, अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट्स, कंड्रा, एडियोलर, एडिपोज, लसिका, ये सभी संयोजी ऊतक है। इंग्लिश में देखिए, हम बात करते हैं इंग्लिश में, कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू को और ऑर्गन को कनेक्ट करता है, नाम से पता लगता है। ये सभी जो एग्जांपल है वो कनेक्टिव टिश्यू के हैं, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन,
एरियोलर, एडिपोज, लिम्फ, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ब्लड, ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे ऊपर लिखा था। अब ब्लड के चार पार्ट्स होते हैं, तो उन चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जो जिसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी इनको हम शरीर का सैनिक कहते हैं और ये हमें जर्म से बचाता है। ठीक है, ये दो पार्ट ये हो गए। उसके बाद दो पार्ट्स आपको यहां मिलेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ को, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ को प्लाज्मा पूरी बॉडी में कैरी करता है। और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाता है, ब्लड की क्लॉटिंग करता है। इंग्लिश में भी समझाता हूं, ब्लड के चार पार्ट्स होते हैं। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स पाई जाती है जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी को हम अपने बॉडी का सोल्जर कहते हैं क्योंकि हमें जर्म से बचाता है। प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड, फूड और नाइट्रोजनस वेस्ट को पूरी बॉडी में कैरी करता है। ये भी आ चुका है पेपर में कि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कौन करता है, ब्लड का कौन सा पार्ट, तो आंसर था उसका प्लाज्मा। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करता है, ब्लड की क्लॉटिंग करता है, रक्त का थक्का जमाता है। या आगे एक चैप्टर में आएगा, अलग से ही टॉपिक आएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका अस्थि, इंग्लिश में बोलते हैं बोन्स। अस्थि के बारे में बताते हैं। अस्थि हमारी दो चीजों का बना होता है, कैल्शियम और फास्फेट का। अस्थि जो होती है वो हमारी अधात्री में होता है। अस्थि कठोर होती है, हड्डियां जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में जाना चाहो तो कठोर होती है। इनमें छिद्र पाए जाते हैं और इनके अंदर रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है अस्थि में, हमारे बोन्स में। इंग्लिश में बात करें बोन्स के बारे में, तो कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसे पहले ही पढ़ चुके आप। ये मैट्रिक्स के अंदर होता है, ये रिगिड होता है हड्डियां हमारी, और इनमें पोर्स पाए जाते हैं और इनमें ब्लड वेसल भी पाए जाते हैं। ये सब बोन्स की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट उपास्थि, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। उपास्थि की बात करें तो उपास्थि जो होती है वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इनमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती, इनकी अधात्री प्रोटीन की बनी होती है, इनमें छिद्र नहीं होते। ये हमारे कान में, नाक में और ट्रेकिया में पाया जाता है। मेन एग्जाम्पल पे ध्यान दिए क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल ही मेन आते हैं। इंग्लिश में कार्टिलेज, ये फ्लेक्सिबल होता है, ब्लड वेसल नहीं होता, इनमें पोर्स नहीं होते। ये हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं कार्टिलेज, ईयर में, नोज में और ट्रेकियाज में, इनमें पाए जाते हैं। ये आया था नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिगामेंट्स आपको समझा रहा हूँ, ये 2015 के एग्जाम में आया था। लिगामेंट्स क्या करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट्स हमारे बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है, यानी एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। अगला है कंड्रा, जिसे हम इंग्लिश में टेंडन के नाम से जानते हैं, इसको टेंडन बोलते हैं, कंड्रा। ये अस्थियों को पेशी से जोड़ता है। देखिए लिगामेंट्स दो अस्थियों को जोड़ता है, कंड्रा अस्थि को पेशी से जोड़ता है। ऐसे याद करना आपको, जो टेंडन होता है वो बोन्स को कनेक्ट करता है हमारे मसल्स से, बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं एरियोलर की। एरियोलर क्या करता है, आंतरिक कोशिका रिक्त स्थान को भरता है, जो कोशिका के अंदर खाली जगह होती है उनको भरता है। ये ऊतक की मरम्मत भी करता है एरियोलर। इंग्लिश में बात करें एरियोलर की, तो ये इंटर सेलुलर स्पेस को भरता है और ये टिश्यू को रिपेयर करता है एरियोलर। एडिपोज हमारे वसा का संचय करता है, एडिपोज फैट को स्टोर करता है। एडिपोज के बाद आता है लसिका, जो आप आगे एक चैप्टर में और पढ़ोगे दोबारा। लसिका ये वसा का परिवहन करता है, इसे इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं। इंग्लिश में इसको लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। ये हल्का पीले रंग का होता है, ये लाइट येलो कलर का होता है। ये तीन चीजों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा, रक्त कोशिका और प्रोटीन। इन तीनों से मिलकर ये बनता है, प्लाज्मा, रक्त कोशिका और प्रोटीन, इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है। इंग्लिश में आपको बताता हूं, लिम्फ के अंदर तीन चीज होती है, प्लाज्मा, ब्लड सेल और प्रोटीन। इन तीनों चीज से मिलकर ये लिम्फ तैयार होता है, जो आप आगे एक चैप्टर में दोबारा पढ़ोगे। ये था लसिका के बारे में, जो कनेक्टिव टिश्यू था। नेक्स्ट आता है आपका पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए पेशीय ऊतक पेशीय रेशे से बनता है,
पेशियों तक में हमारे मसल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाई जाती है जिसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ये 2017 के पेपर में भी आया था कि कौन से ऊतक में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाया जाती है मूवमेंट के लिए, तो पेशी ऊतक था। इसे प्रोटीन पाया जाता है गति के लिए। पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है, रैखिक, ऐच्छिक, कंकाली। ये तीनों एक ही मतलब है, रैखिक, ऐच्छिक और कंकाली। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, हाथ और पैर में पाए जाते हैं। आरेखित, अनैच्छिक या चिकनी पेशी, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, ये हमारे अमाशय में, आंत्र में, मूत्राशय में, इनमें पाया जाता है। और एक होता है हृदय पेशी। ये सब ऐच्छिक पेशी ऊतक के प्रकार हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय में पाया जाता है। इंग्लिश में बात करता हूं आपको, मस्कुलर टिश्यू समझाने की कोशिश करता हूं इंग्लिश में। मस्कुलर टिश्यू जो हमारा, मस्कुलर टिश्यू मेड बाय मस्कुलर फाइबर, ये मसल फाइबर से बना होता है। मस्कुलर टिश्यू में स्पेशलाइज प्रोटीन पाई जाती है मूवमेंट के लिए। ये 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार के होते हैं ये। पहला होता है वॉलेंट्री, जिसको स्टेटेड या स्केलेटल भी बोलते हैं। ये तीनों का मतलब एक ही है, इनवॉलेंट्री, अनस्टेटेड या स्मूथ। और तीसरा होता है कार्डियक। देखिए, वॉलेंट्री, स्टेटेड और स्केलेटल वो होता है जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इनवॉलेंट्री होते हैं हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। और कार्डियक होते हैं हार्ट, हार्ट से संबंधित जितने भी टिश्यू हैं वो सब कार्डियक में रखे गए हैं। तो वॉलेंट्री में हाथ और पैर आएंगे, हैंड्स एंड लेग्स। इनवॉलेंट्री में आपके स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेट्रा, ब्रॉन्ची वगैरह। और कार्डियक में आएगा आपका केवल हार्ट। हार्ट से संबंधित जो होते हैं वो सिर्फ कार्डियक में आते हैं। आपका लास्ट आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के अंदर न्यूरॉन होता है जिसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। और मैं आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, जो तंत्रिका ऊतक जो न्यूरॉन से बनता है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी की। तंत्रिका ऊतक जो है वो मेरुरज्जु में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है और तंत्रिका में पाया जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट्स और अंतिम सिरा। एक्सॉन, डेंड्राइट्स और अंतिम सिरा। इंग्लिश में बात करूं इसी चीज की, तो जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन का बना होता है, जिसको नर्व सेल भी कहते हैं। और जो नर्व सेल होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल है। जो नर्वस टिश्यू है वो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एक्सॉन, दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा नर्व एंडिंग। तो ये था आपका टोटल चैप्टर टिश्यू के बारे में। मैंने आपको दोनों मीडियम समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो इस वीडियो से हेल्प से इस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। मैंने पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करी है ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। थैंक यू। हमीद साहब को बेस्ट ऑफ लक।